चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम लोग आरआरबी साइंस के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें आरआरबी पैरामेडिकल में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सबको इंक्लूड किया गया है। और आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के साइंस के क्वेश्चन आरआरबी के पैरामेडिकल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अ पीएच ऑफ 7 इज शोन विथ। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होगा उसमें जो पीएच होगा 7, वो किस कलर का होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन कलर। ठीक है, यानी जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें जो ग्रीन कलर होता है वो हमारे न्यूट्रल को शो करता है। ठीक है, याद रखना है न्यूट्रल जो होगा वो ग्रीन होगा। और यदि हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, यानी जो लेस देन 3 होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा वो कैसा होगा उसके, तो वो रेड दिखेगा। ठीक है, याद रखना है वो रेड होगा। और वीक एसिड जो होता है ये ऑरेंज या येलो, ऑरेंज या येलो कलर। ठीक है, याद रखना है इसमें क्या होता है, पीएच जो होगा 3 से 6 तक जो होगा वीक एसिड, और उसमें जो कलर होगा वो कैसा कलर होगा, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उसमें ऑरेंज या येलो कलर से ये डिनोट करते हैं इसको। और यदि हम बात कर लेते हैं अल्कली के बारे में, हम बात करें तो अल्कली जो होता है वो आपका आ जाएगा 8 to 11 में जो होगा वो ब्लू कलर से होगा, वीक अल्कली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट मिनिमम। आपको पूछा जा रहा है वो पूरे डे का वो कौन सा टाइम है जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम जो है वो कब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट। ठीक है, देखिए एयर टेम्परेचर जब हाईएस्ट होता है यानी आफ्टरनून के टाइम में, कई जगह पे ऐसा नहीं देगा आफ्टरनून दिया रहेगा, तो ये दे सकते हैं आप इसका राइट आंसर में। ठीक है, उस समय क्या होता है एयर टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है हाईएस्ट होता है, जिस वजह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, मॉर्निंग के टाइम में या फॉगिंग जब होता है तो वहां पे ह्यूमिडिटी क्या होता है काफी बढ़ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। आपको पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी सेल्स। ठीक है, जो बी सेल्स जो होता है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है, याद रखना है। और ये क्या करता है, तो ये अटैक करता है जो इन्वेट करता है हमारे बैक्टीरिया, जो वायरस है, टॉक्सिन है, उन सबके ऊपर ये अटैक करेगा। ठीक है, याद रखना है। और लिम्फोसाइट जो होगा वो उसमें क्या होता है, दो टाइप का होता है, इसी के अंदर टी टी सेल्स भी आएगा और बी सेल्स भी आएगा, दोनों याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। आपको इसमें पूछा जा रहा है जो प्रोसेस जो है जिसमें कि जो चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ, चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में ट्रांसफर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अर्थिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 में पूछा जा रहा है, सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड मेनली ऑफ डैश एंड डैश। आपको पूछा है जो सेल्स होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंपोज होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर लिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है लिपिड्स और प्रोटीन ये दो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में पूछा जा रहा है, आईयूपीएसी नेम ऑफ फोर स्ट्रक्चर CH2 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 CH3। ठीक है, यहाँ पे से आपको कार्बन काउंट कर लेने हैं, आईयूपीएसी नेम पूछा जा रहा है, इसका फुल फॉर्म आप पहले देख लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड
अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अकॉर्डिंग जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या होगा? तो यहां पर हम कार्बन देख लेते, कितने हैं, एक दो तीन चार, यानी फोर कार्बन है। कार्बन कितना है? फोर है। हाइड्रोजन कितना है? टू टू फोर टू एट सिक्स, सिक्स और थ्री नाइन, तो एच नाइन है, सी फोर एच नाइन। ये हमारा सी फोर मतलब क्या होता है? ब्यूटेन को हम लोग सी फोर बोलते थे, ठीक है। तो यहां पे ब्यूटेन में क्या होता था? सी फोर एच टेन होता था, लेकिन यहां पे क्या है? सी फोर एच नाइन है। तो एक हाइड्रोजन जब अल्केन ग्रुप से, अल्केन में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाता है, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या बनता है? अल्काइल बनता है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? अल्काइल होगा, ठीक है। तो यहां पे ये ब्यूटाइल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चार वाले को हम लोग ब्यूटेन बोलते थे, एक हटा दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये एक एसेंशियल प्रोटेक्टिव बैरियर है बैक्टीरियल सेल्स के लिए, ठीक है। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों में जो है ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। एट में पूछा जा रहा है द साइनोनिम्स फॉर क्लोरीनेटेड लाइम, जो क्लोरीनेटेड लाइम है उसके लिए कौन सा साइनोनिम का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यानी क्लोरीनेटेड लाइम जो है वो क्या है हमारा? ब्लीचिंग पाउडर है, याद रखना इन चीजों का आपको। इसको हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। नाइन में पूछा जा रहा है द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड, यानी इसमें पूछा जा रहा है जो आई लेंस की जो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्यूमोडेशन, ठीक है। एक्यूमोडेशन जो होता है वो हमारे आई का एबिलिटी है जिसकी वजह से जो आई जो है वो फार जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने के लिए अलग लेंथ होता है, फोकल लेंथ अलग हो जाता है, और नियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने के लिए जो हमारा फोकल लेंथ होता है आई लेंस का वो डिफरेंट होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? तो अकोमोडेशन की वजह से होता है, आई के अकोमोडेशन की वजह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं। क्रैनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम द, जो क्रैनियल नर्व्स है वो अराइज होता है कहां से? अराइज होता है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेन, ठीक है। जो क्रैनियल नर्व्स होता है वो ब्रेन से अराइज होता है, अच्छे से आपको याद रखना है इन सब चीजों को, ठीक है। जो क्रैनियल नर्व्स जो होता है वो कितने पेयर में होता है? तो 12 पेयर होता है, ठीक है, 12 पेयर नर्व्स। अब इसमें से यदि पूछा जाए कि जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट नर्व, तो लॉन्गेस्ट नर्व जो होता है वो वेगस होता है, वेगस नर्व, ठीक है। ये हमारा 10 नंबर होता है, क्रैनियल नर्व्स 10, ठीक है। अब यदि लार्जेस्ट पूछा जाए, लार्जेस्ट जो होगा वो ट्राइगेमिनल नर्व, ठीक है, ट्राइगेमिनल नर्व, ये 5 नंबर होता है, ठीक है, यानी CN5 जो है, क्रैनियल नर्व्स 5, ठीक है। तो इनको याद रखना है, और यदि स्मॉलेस्ट पूछेगा तो ट्रोक्लियर नर्व्स जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें से जो दिए गए हैं मॉलिक्यूल उसमें से डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरीन, ठीक है। आपने देखा होगा Cl2 लिखा हुआ, तो ये हमारा क्या है? डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में पूछा जा रहा है रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द, जो रिडक्शन है केमिकल रिएक्शन में तो उसमें क्या होता है? रिडक्शन में, तो रिडक्शन जहां पे होता है तो रिडक्शन जो है वहां पे हाइड्रोजन को गेन किया जाता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन होता तो वहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होगा तो गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है।
एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं इसको समझाता हूँ आपको। H2S है, Cl2 है, ठीक है। यदि इसका रिएक्शन कराएंगे तो S प्लस HCl बनाएगा, 2HCl। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक जगह देखिए, यहां पे जो क्लोरीन है, क्लोरीन में यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्लोरीन जो है वहां पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हम लिख सकते हैं क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और वही जो है दूसरा जो हमारा सब्सटेंस है, यहां इससे यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहां पे क्या हो रहा है, इस वाले में हाइड्रोजन ऐड हुआ और इससे रिमूव हुआ है, ठीक है। तो एक जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जिसकी इससे जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हुआ है, तो इस वजह से ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो याद रखना है हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू सल्फर, ऐसा हम लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज टू सल्फर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में पूछा जा रहा है अमंग द फ्लोइंग ऑर्गन्स इन विच द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम, पूछा जा रहा है इसमें से जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से परफ्यूजन रेट जो है वो मैक्सिमम होगा कौन से ऑर्गन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंग्स, ठीक है। जो लंग्स होता है उसका परफ्यूजन रेट जो होता है बहुत मतलब मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें परफ्यूजन के बारे में, तो परफ्यूजन जो होगा वो ग्रेटर होगा लंग्स के कौन से पोर्शन में ग्रेटर होगा, यदि ये ऐसा पूछा जाता है तो जो बेस होता है लंग्स का वहां पे ग्रेटर होता है परफ्यूजन, ठीक है। ग्रेटर एट द बेस ऑफ द लंग ड्यू टू ग्रेविटी पुलिंग ब्लड डाउन टुवर्ड्स द बेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट, जो सोडियम फ्लोराइड है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए, किसको प्रिवेंट करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेंटल कैरीज, ठीक है। डेंटल कैरीज के लिए जो होता है वो सोडियम फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है इससे प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर में पूछा है ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द, जो ऑक्सीडेशन होगा केमिकल रिएक्शन में उसमें क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में हम अभी बता रहे थे कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका, थोड़ा समझना आसान होगा आपके लिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं जो आयरन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, Fe2O3 बना दिया, रिडक्शन किसका हुआ, तो ऑक्सीजन का, याद रखना है। यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला है, ठीक है, लॉस हुआ है, यहां पे एडिशन हुआ है, यानी जो फेरस था फेरस के साथ जो है ऑक्सीजन एड हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। Which among the flowing products are non-biodegradable? इसमें पूछा जा रहा है जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से non-biodegradable कौन सा है? देख के ही आपको पता चल गया होगा इसका non-biodegradable कौन सा होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीथीन बैग्स, जो पॉलीथीन बैग्स जो होता है वो नन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Which of the flowing element is a polyatomic molecule? इसमें पूछा जाए polyatomic molecule कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फर, ठीक है। जो सल्फर है वो हमारा क्या है, polyatomic molecule, ठीक है। अब यदि हम polyatomic molecule के बारे में बात करें, तो वैसे molecule जो कि मोर देन 3 एटम से बने होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं polyatomic molecule।
ए मॉलिक्यूल मेड अप टू मोर देन थ्री एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, हम लोग इसमें फास्फोरस भी ले सकते हैं, P4। ठीक है, सल्फर जो है हमारा उसके बारे में तो बताइए, S8। तो ये सब हमारे क्या है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस, आपको पूछा जा रहा है म्यूकस में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यूसिन। ठीक है, म्यूसिन जो है ये एक ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन होता है, ठीक है, जो सेक्रेट किया जाता है हमारा इपिथेलियम जो एनिमल का टिश्यू होता है उसके द्वारा। ठीक है, म्यूसिन्स आर ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन दैट आर सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियम ऑफ द एनिमल टिश्यू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विच इज डिस्क्राइब एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आपको पूछा है इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से पावर हाउस सेल का कौन सा है जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अब उसमें पूछा है जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेनिंजेस। ठीक है, जो मेनिंजेस है वो क्या है हमारा प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कवर करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अब यदि हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि जो हमारा मेनिंजेस है तो जो मेनिंजेस होता है उसमें थ्री लेयर कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो थ्री लेयर्स होते हैं उसमें से पहला जो लेयर होता है डेलिकेटेड इनर लेयर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पायामेटर। ठीक है, एक होता है मिडल लेयर, एरेक्नॉइड। ठीक है, और एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर, इसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। 21 में पूछा जा रहा है ग्रोथ हार्मोन विल बी सेक्रेटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड, अब पूछा जा रहा है कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके द्वारा जो है वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। जो ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करता है। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो पता ही है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काफी आसान से ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। ठीक है, जो नेफ्रॉन है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट पूछेगा तो बता देना है वो नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट के। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द डैश ऑफ ऑसिलेशन, आपने यदि पढ़ा होगा 9th क्लास में तो जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा, यानी जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन जो होता है पर सेकेंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। नियर साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज, नियर साइटेडनेस या नियर साइट ब्लाइंडनेस इसको कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियरली दिखते हैं दूर के नहीं दिखते। ठीक है, तो इसमें इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। ठीक है,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।